हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 801वें उर्स मुबारक का विधिवत समापन शनिवार सुबह दरगाह के महफिल खाने में हुआ। अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयद जादगान की जानिब से आयोजित उर्स की स्पेशल क्लोजिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी संजय वाफना, माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट खानू खान बुधवाली, यूनिवर्सल एसोसिएशन फॉर स्पिरिचुअल अवेयरनेस के संस्थापक पंडित एन के शर्मा, सेकुलर कयादत दिल्ली के चीफ एडिटर कारी एम मियाँ मजहरी, सईद अंजुमन सैयद जादगान के अध्यक्ष सैयद हिसामुद्दीन नियाजी, सचिव सैयद वाहिद हुसैन चिश्ती, उर्स कन्वीनर सैयद मुसाहिर हुसैन ने शिरकत की। इस अवसर पर अंजुमन की ओर से ख्वाजा साहब के 801वें उर्स में सेवाएं देने वाले तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का दस्तारबंदी कर इस्तकबाल किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर वैभव गालरिया, मेला मजिस्ट्रेट एडीएम सिटी जगदीश पुरोहित, आरटीओ सत्येंद्र नामा, क्यूरेटर सैयद आजम हुसैन सहित तमाम अफसर और मीडिया के लोग मौजूद थे। मुझे इतना खुशनसीब है, सौभाग्य है कि मुझे अपने करियर में ख्वाजा साहब की शहर में सेवा करने का मौका मिला और उसकी व्यवस्था में शरीक शिरकत करने का मौका मिला। आप सभी लोगों के सहयोग से उस बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। यह कार्य अकेला प्रशासन अकेला सरकारी महकमा नहीं कर सकता है। इस कार्य को संपन्न कराने में दरगाह कमेटी अंजुमन इस सभा का आयोजन की थी। साथ ही मैं इस फल से मेरी जो पूरी टीम है जिला प्रशासन की, विभिन्न विभागों की, जिला पुलिस की, उस टीम का भी अंदर से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्हें कॉन्फिडेंस करता हूँ कि सभी लोगों के मुबारक में जितना भी प्रशासनिक लोग या सरकारी लोग या और तंजीमें उर्स मुबारक में खिदमत अंजाम देती हैं उन सब के लिए खुदा में खैर इनवा दुआओं के साथ आज दस्तारबंदी करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट करके सहायता करके आने वाले जायरीन के लिए सहूलियतें पहुँचाई हैं। उनके लिए हर साल उर्स के बाद एक समापन समारोह इख्तामी प्रोग्राम किया जाता है और दस्तारबंदी करके दुआ खैर की जाती है। कार्यक्रम से पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने ख्वाजा साहब की मज़ार पर बतौर शुक्राना फूल चादर पेश कर उर्स में शरीक होने आए तमाम जायरीनों की मन्नतें और दुआएं कबूल होने की दुआ की। राजस्थान पुलिस के बैंड की धुन के साथ गरीब नवाज के आस्थाने में चादर पेश करने पहुंची नसीम के साथ कई जनप्रतिनिधि कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों और सभी विभागों के अधिकारियों का मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि व्यवस्थाएं अच्छी रही। दोनों विश्राम स्थलियां दूर होने के बावजूद भी जायरीनों को अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं, बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया। मैं गरीब नवाज से दुआ करती हूं कि आने वाले समय में मुल्क की अमन और चैन सुकून बना रहे, तरक्की और बहबूदी बनी रहे, सभी कौमों का विकास बराबर, हम अपनी कौम के साथ आम आवाम की भी खिदमत करते रहें और गरीब नवाज का करम आप और हम सब पर ऐसे ही बना रहे। आज आने वाले मेहमानों का भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूं। मैं मेज़बान की हैसियत से आने वाले सभी मेहमान खानू खान जी लाख साहब सभी जो बाहर से मेहमान आए हैं मैं अपनी ओर से गरीब नवाज की धरती पर बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। शनिवार को दरगाह के महफिल खाने में यूनिवर्सल एसोसिएशन फॉर स्पिरिचुअल अवेयरनेस के संस्थापक पंडित एन के शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज के 799वें उर्स के दौरान ख्वाजा साहब की शिक्षाओं पर आधारित सीरियल ख्वाजा रोशनी की मीनार के पूर्व में 52 एपिसोड तैयार किए गए थे। गत 9 मई को दिल्ली में जश्न गरीब नवाज के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के हाथों एपिसोड की संख्या बढ़ाकर 104 कर दी गई। पंडित एन के शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, कई साल से हम लोग ये आयोजन करते आ रहे हैं। अब की बार के आयोजन में वो 52 एपिसोड वाला सीरियल जिसका नाम है रोशनी के मीनार, उसका हम लोगों ने माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा और माननीय श्री कपिल सिब्बल साहब जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर हैं और साथ में अभी अभी वो
कानून मंत्री भी बने हैं, उनके हाथों वो हम लोगों ने उनको समर्पित किया था और ये तय किया था कि ख्वाजा गरीब नवाज के चरणारविंद में उस सीरियल को हम रखेंगे।